अब बताइए सर, सर नमस्कार, आपका नाम क्या है? सर नमस्कार, मैं नैब सुविधा रमेश चंद डोगरा से बिलोंग करता हूँ। आप कहाँ के रहने वाले? मैं रहने वाला तो अभी यूपी से हूँ और दिल्ली में ही रहता हूँ। अच्छा, दिल्ली में ही रहता हूँ। और आप धरने पे किस लिए बैठे हैं? हम जो है आज धरना है, आज 15 अगस्त है, हमारा धरना आज भी यहाँ चालू है और हम धरने पर आज इसीलिए आए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी लाल किले में कुछ हमारे लिए घोषणा करने वाले थे और हमारा धरना जो है 177 दिन से लगातार चल रहा है। क्या कुछ खबर मिली आपके प्रधानमंत्री ने आपके लिए? क्या खबर मिली है कि प्रधानमंत्री जी ने, हमें बताने में ही बड़ा दुख लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हमने जो है सैनिकों को वर्ण बंद पेंशन का सारा भुगतान कर दिया है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जो 165 करोड़ दिया है, 65,000 करोड़, वो किसको दिया है, कहाँ गया है? जब अगर मिल जाता तो हम यहाँ आज के दिन धरने पर क्यों बैठे होते, जबकि देश के इतना बड़ा आज़ादी का दिन है और आज भी हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। तो ये सरकार को देखना है कि वो जो 165,000 करोड़ दिया है तो किसको दिया है। हमारे JCO हैं, JCO से लेके और सुबेदार मेजर तक किसी नहीं, आप बोल रहे हैं 65,000 करोड़ दिया है जी, तो वो किसको, तो वो किस गवर्नमेंट ने किसको दिया है? हाँ, तो आपको क्या लगता है कि वो किसको दिया? सर वो हमारे को लगता है कि हमारे जो अफसर हैं या तो जो हमारे ऊपर थे उन्होंने उसका फायदा उठा लिया, हमारे जवानों को लेकर के नहीं मिला। जो थोड़ा बहुत दिया है तो वो सिर्फ एक सिपाही से लेकर होल्डर रैंक तक को दिया है, उसके बाद ऊपर वालों को ऑर्डनरी कैप्टन तक, जी नैब सूबेदार से लेकर ऑर्डनरी कैप्टन तक किसी को भी कुछ नहीं दिया है। उसी की मांग को लेकर के हम आज 177 दिन हो गए जो कि जंतर मंतर में बैठे हैं और हम अपने पूर्व सैनिकों से खासकर JCO भाइयों से यही गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जंतर मंतर पर पहुँचे और अपने धरने को संगीत से बनाते हुए आगे बढ़ाएं, हमारी यही मांग है। दूसरा हमारा MSP पे का है जो कि हमारे को नहीं दिया जा रहा है, उसकी जो है जवानों का, नर्सों का और हमारे बीच में बहुत बड़ा भेदभाव कर रखा है, विधवाओं की पेंशन का बहुत बड़ा भेदभाव कर रखा है, डिसेबिलिटी का कर रखा है। ये 3-4 संगतियाँ जो कि हमारी पूरी की जाए। धन्यवाद। राम राम सर, आप कहाँ से हैं? राम राम सर, आप कहाँ से हैं? सर मैं केरला से हैं। आप तो धरने में बैठे, मुझे ऐसा लगता है कि आप सो रहे हैं। नहीं, सोया नहीं सर, आखिर तो 6 महीने होने वाला है, ठीक है। अच्छा, कुछ मांगे कुछ उम्मीदें लगा के बैठे हैं, लेकिन आज हमारा प्रधानमंत्री जी ने लाल किला में घोषणा कर दिया है, आरोपी में कोई भी बकाया नहीं है, सबको जो भी है दे चुका है। तो सरकार को हम लोगों ने यहाँ बैठ कर 177 दिन से यहाँ बैठा हुआ है, उन्होंने मेमोरेंडम दिया है, विस्तार विवरण के साथ में मेमोरेंडम दिया है, विसंगतियाँ उसके अंदर हमने दर्शाया गया है। अब इसको ऊपर जांच होना चाहिए, जांच करने के लिए जांच कमेटी का भी मांग हमने किया है। अब इसके लिए सरकार की तरफ से हमें कोई भी जवाब नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। हमने जो कागज़ देता है तो हमने प्रधानमंत्री का कार्यालय में और राष्ट्रपति जी के कार्यालय में और शिक्षा मंत्री जी का कार्यालय में हम लोगों ने अपना मेमोरेंडम सौंपा है, रिसीव किया है, तो उसका जवाब वो कब देगी? उसके जवाब के लिए हम लोगों ने क्लियर उसके अंदर लिखा है, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का लेटर में बना कर दिया है, हमें जो वार्तालाप करने के लिए, हमें बुलाने के लिए भी हम रिक्वेस्ट किया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन लाल किला में ऐसे घोषणा किया है जो हमें ऐसे लग रहा है सरकार जो हमारा बात नहीं सुन रहा है, जो अधिकारी का ही बात सुन के जा रहा है, क्योंकि अधिकारी को आरोपी क्यों दिया? हमने प्रधानमंत्री से ही पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री खुद ही फरीदाबाद मेट्रो रेल उद्घाटन का टाइम पर खुद ही बोला हुआ है, हम आरोपी सिपाही नायक लैंस नायक हवलदार और JCO को ही देंगे जो कम उम्र में आता है। जो कोशियारी कमेटी जो डिफेंस मिनिस्ट्री में पहले से जो बना हुआ है उसी का रूलिंग ही हुई है, तो उसी हिसाब से बताया गया है, लेकिन ऐसा नहीं किया, जो हमें निराशा कर दिया है। जो पैसा नहीं है तो सरकार ना दे, लेकिन एक वर्ग को दे दी, उस वर्ग को उसका अतरेज ही नहीं है, और आज मेडल वगैरह लगा के, छाती में पूरा मेडल लगा के जो हमारा अधिकारी लोग आज खुशी मना रहा है, क्योंकि उनका ORP का दूसरा किस्त भी आ गया, अब वो बहुत कुछ ही लाखों रुपए उनके जेब में पहुंच गया, उनके खाते में पहुंच गया, और जो इंडिपेंडेंस डे में जाके अपना छाती में अपने मेडल लगा के वो बिल्कुल अपना परिवार के साथ में वो मतलब एक्शन कर रहा है। लेकिन हम यहाँ 177 दिन से बैठने के बाद
हमारा प्रधानमंत्री बोल रहा है, हम इनको सब कुछ दे चुका है। हमने ये भी देखा है यहाँ जो 6 महीना होने वाला है, 3 दिन के अंदर 6 महीना पूरा हो जाएंगे। तो यहाँ पर कई अनशन हमने देखा है, कई डिपार्टमेंट का, ऑटो रिक्शा वाला भी इधर आया हुआ है, ट्रक वाला भी इधर आया था, मनरेगा वाला भी आए थे, पुराना पेंशन बहाल करो करके जो केंद्र सर्विस का और भी जो लोग यहाँ आए थे, जो सब कर्मचारी यूनियन ही आया हुआ है, किसी भी अधिकारी यूनियन यहाँ आए नहीं, किसी डिपार्टमेंट का अधिकारी यूनियन नहीं आता है। हम तो इस जगह पर हमने ये सब देख रहा है। तो यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो साख सुविधा के साथ में रहने का अधिकार और संविधानिक तरीक़ा से आज़ादी जो हमारा अधिकारी लोगों को मिला है और हमारा राजनेता को मिला है, जो कि वो खुशी से रहे। अब उन्होंने जहाँ जहाँ ड्रामाबाजी करता है, उनका ड्रामे में हमारा भीड़ को इकट्ठा करे और 5-5 साल में अपना अपना गति संभालें, जो इसी जैसा हरकत हो रहा है। लेकिन देश का जो पूर्व सैनिक है उसका आवाज़ को सुनना ज़रूरी है, जो कि सेना के अंदर ऐसी जो कानून बना कर रखा है अंग्रेज़ों ने छोड़ के किया, वो कानून है, उस कानून को बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। जो आत्महत्याएँ हो रहा है, जो मान स्वाभिमान को ऊपर उंगली उठा रहा है, जो हमारा साथ में अन्याय हो रहा है, जो इस अन्याय के खिलाफ भी हमारा लड़ाई है, आर्मी के कानून को बदलाव होना ज़रूरी है। ये आवाज़ सैनिक नहीं उठा सकता है, लेकिन पूर्व सैनिक का इस आवाज़ को दबाने का अगर कोशिश करता है, ये बहुत बड़ा जो ये हरकत सही नहीं है, जो कि पूर्व सैनिक जो अपना आवाज़ उठा रहा है, जो सैनिकों के लिए भी उस आवाज़ है, तो हमारा आने वाला पीढ़ी के लिए भी वो आवाज़ है। इसलिए जो प्राइम मिनिस्टर ने जो घोषणा